डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। मतलब कि आपसे कह रहा है कि ए और बी दो जो हैं वो लिक्विड हैं, और उनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर यानी पी नॉट ए पी नॉट बी का रेशियो जो दिया गया है वो क्या दिया है, 1:2 दिया है। इसका मतलब पी नॉट ए बाई पी नॉट बी जो दिया है वो 1:2 दिया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी कंटेन्स ए एंड बी इन द मोल प्रपोर्शन ऑफ 1:2। आपसे कह रहे हैं कि एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया गया है। बाइनरी सॉल्यूशन आपको पता है कि उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, और यहाँ पर ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन बना दिया। और यहाँ पर इनका मोल प्रपोर्शन है वो 1:2 का है। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि एन ए बाई एन बी जो दिया हुआ है वो 1:2 का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम एन ए प्लस एन बी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1:2 यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो भैया, अब कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। आपसे कह रहा है कि वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है, यानी कि आपको वाई ए की वैल्यू को बताना है। ऑप्शन ए दिया है 0.33, बी दिया है 0.2, सी दिया है 0.25, और डी दिया है 0.52। तो चलो भाई देखते हैं कि भाई आंसर क्या आएगा। तो देखो, आपको क्या करा है कि आपको दे रहा पी नॉट ए और पी नॉट बी का रेशियो दे रहा है 1:2, ये 1:2, एन ए इज टू एन बी दे रहा है 1:2। ठीक, एन ए प्लस एन बी आपने 3 निकाल लिया। तो अगर मैं एक्स ए यहाँ से निकालूँ तो वो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और ये वैल्यू जो होगी एन ए की वैल्यू क्या है, 1:3 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से एक्स बी की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2:3 हो जाएगी। सही है ना, हमसे पूछ रहा है वाई ए वेपर फेज में पूछ रहा है, हमसे वेपर फेज में पूछ रहा है, तो वो क्या होता है, वाई इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और वाई क्या हो जाता है, पीटी। और पीटी एक्चुअल में क्या होता है, पीटी टोटल प्रेशर होता है, और टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आता है वही निकल आता है। तो कुल मिला के अगर हम पीएस की वैल्यू निकाल लें तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वही कैसा हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर होता है इन द वेपर स्टेट। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो चलो भाई अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हमको समझ में आ रहा, राउंड्स लॉ लगा दिया, तो हमारे पास हो जाएगा पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और प्लस हो जाएगा क्या, पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बी। अब पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स ए की वैल्यू 1:3 है, ठीक है ना, और प्लस पी नॉट बी की वैल्यू 2 है, इंटू क्या, एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 2:3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस जो होगा वो 4:3 हो जाएगा।
तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5/3 आ गई, ठीक। अच्छा, अब मेरे पास में पी एस की वैल्यू है, समझ रहे हो ना, एक्स ए की वैल्यू है क्या, हाँ है, 1/3। पी नॉट ए की वैल्यू है क्या, हाँ है, P1। तो भाई फॉर्मूला लगा दो, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और वाई क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी, 1 है, वाई एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, और एक्स पी एस की वैल्यू कितनी है, 5/3 है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1 × 1 क्या हो जाएगा, 3 × 5, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हो, 0.2। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, यानी आंसर बी जो होगा वो कैसा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।